लटेरी में दक्षिण वन विभाग द्वारा कार्रवाई करते हुए दक्षिण रेंज के अंतर्गत आने वाले टोका बीट से सागौन का अवैध परिवहन करते हुए एक पिकअप वाहन, एक मोटरसाइकिल एवं 3 आरोपियों को वन विभाग ने पकड़ने में सफलता हासिल की है। वन विभाग द्वारा मुखबिर की सूचना पर ग्राम टोका के पास यह कार्रवाई की गई और लगभग 17 नग अवैध सागौन के जब्त किए गए, जिनकी कीमत लगभग 1 लाख रुपए बताई जा रही है। वहीं पकड़े गए आरोपियों में एक लटेरी तहसील का एवं 2 मकसूदनगढ़ तहसील के बताए जा रहे हैं। विभाग द्वारा वन अपराध कायम कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। उत्तर एवं दक्षिण रेंज के संयुक्त स्टाफ द्वारा इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया। कल शाम में हमें मुखबिरों से सूचना मिली कि ये लोग टोका गांव है, वहां से तिलोनी बीट से लकड़ी काट के मधुसूदनगढ़ के रास्ते से मनोहर थाना लेके जा रहे हैं राजस्थान। तो हमने घेराबंदी करी, दल गठित किया और घेराबंदी करके वहां पर हमारे मुखबिर बिठाए गए। तो मुखबिरों ने सूचना दी कि गाड़ी आ गई है और गाड़ी में माल लोड हो रहा है। तो तुरंत ही हम वहां पहुंचे और हमने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया मौके से। एक गाड़ी, ये छोटा हाथी और एक मोटरसाइकिल जिसपे ये तीनों बैठे थे, ये दोनों गाड़ी जब्त करी। 17 नग सागौन है और जो सागौन की कीमत है, बाजार कीमत लगभग 1 लाख रुपए से अधिक है। कितने आरोपी हैं और क्या क्या नाम है और कहां के रहने वाले हैं? 3 आरोपी है इसमें। एक तो लोकल उसी गांव का, टोका गांव का है, नेपाल पुत्र बाबूलाल यादव, उम्र 30 वर्ष है। दूसरा आरोपी है दीपक पुत्र रमेश अहिरवार और तीसरा आरोपी है अनिल पुत्र प्रेम नारायण अहिरवार। क्या कार्रवाई हुई है? क्या कार्रवाई हुई? इन लोगों को गिरफ्तार किया गया है, अभी मुचलके पे जमानत पे रिहा किया जा रहा है और इनसे और भी पूछताछ की गई है और भी इन्होंने 7-8 आरोपियों के नाम बताए जिनको भी गिरफ्तार किया जाएगा। लटेरी से राजेश विश्वकर्मा की रिपोर्ट।